वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ पाचन तंत्र पोषण एवं चयापचय यानी डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन समझिए क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे वीडियोज में थ्योरी वाले टॉपिक बना चुकी हूँ और उसमें एक एक टॉपिक डिटेल में समझाया गया है। एक बार आप वीडियोज को देख लेंगे तो दोबारा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस थ्योरी टॉपिक को देख करके इस टॉपिक को देखेंगे तो आप एक क्षण मात्र में ही सभी क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रास नली को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली को कहते हैं आइसोफेगस। क्या कहते हैं? आइसोफेगस। इसका वैज्ञानिक नाम है आइसोफेगस, इसको गुलेट पाइप भी कहते हैं और इसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच होती है और यह उपास्थि का बना होता है और यह मुख गुहा को अमाशय यानी स्टोमच से जोड़ती है जिससे होकर भोजन अमाशय यानी पेट में पहुंचता है। और इस ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती है, किंतु इस ग्रास नली में छोटी छोटी श्लेष्मक ग्रंथियां होती है जो चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूसिन, इसी कारण भोजन गले में चिपकता नहीं है और क्रमाकुंचन गति होती है इसमें जिसके कारण भोजन आगे बढ़ता है और हमारे अमाशय में पाइलोरिक कपाट के रास्ते चला जाता है, कार्डियक कपाट के रास्ते चला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों यह प्रोटीन को पचाता है। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आखिर में ट्रिप्सिन निकलता कहां से है, कहां बनता है। यह जो ट्रिप्सिन होता है वह आग्नाशय रस है यानी ये आग्नाशय यानी पैंक्रियाज में बनता है। तो पैंक्रियाज में कौन कौन सा रस बनता है दोस्तों? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, फास्फोलाइपेज, एस्टरेज, ये 6 एंजाइम बनते हैं जिसमें से एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज जो होता है बाइल यानी पित्त रस के साथ मिलकर के फैट्स को यानी वसा को पचाने में मदद करता है यानी फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में बदलता है। जो ट्रिप्सिन होता है वह गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस के साथ मिलकर प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और प्रोटीन को यानी कि प्रोटीज को पेप्टोन यानी पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अमाशय में 3 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसमें से पेप्सिन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में प्रोटीन प्रक्रिया करके उससे प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, उसी पेप्टोन को जो आग्नाशय रस ट्रिप्सिन होता है उस पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इतना गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछता है। एंड होता है प्रोटीन जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, जो फास्फोलाइपेज होता है और फास्फोलिपिड्स को से वसी अम्ल को अलग करता है और एस्टरेज जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आग्नाशय यानी पैंक्रियाज से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ दोस्तों कि अग्नाशय से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, फास्फोलाइपेज, एस्टरेज एंजाइम निकलता है जिसमें से अमाइलेज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और लाइपेज जो है फैट को पचाने में मदद करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन में मदद करता है? तो दोस्तों हमारे अमाशय यानी कि स्टोमच यानी पेट में जठर ग्रंथि पाया जाता है जिससे गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस निकलता है। इसी जठर रस में HCl एक अम्ल है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है और उसके अलावा एंजाइम में पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज आदि निकलता है। ठीक है,
क्या क्या निकलता है, रेनिन, जठर लाइपेज यानी गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन, ये तीन चीजें निकलता है। तो जिसमें से जो रेनिन होता है दोस्तों, यह दूध को कैसीन में बदल देता है, यानी दूध को अंदर जाते ही रेनिन जो है उसको फाड़ देता है, दही बना देता है, कैसीन में बदल देता है। और जो जठर लाइपेज है यानी गैस्ट्रिक लाइपेज है, यह क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है यह कम मात्रा में इसे उपस्थित होता है और फैट यानी कि वसा को पचाता है। और जो पेप्सिन होता है वह एसिल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में प्रोटीन से बने सभी भोज्य पदार्थों का पाचन किया करके उसे पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारे आमाशय से कौन कौन से रस स्रावित होते हैं, तो आपका जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम और एसिड स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन के साथ आए हुए जहरीले पदार्थों और कीटाणुओं को कंकर पत्थर को गलाकर नष्ट कर देता है, और निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदल देता है, कौन, एचसीएल। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो इसका विस्तृत जानकारी के लिए पाचन तंत्र वाले वीडियो को आप लोगों को देखना होगा। नेक्स्ट है, शरीर में दूध के अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है, तो किस एंजाइम की वजह से दोस्तों, रेनिन एंजाइम की वजह से। नेक्स्ट है, इंसुलिन कहां या किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इंसुलिन दोस्तों आग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, आग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं से स्रावित होता है। जैसा कि दोस्तों हमारे आग्नाशय जो है वह मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो लीवर है, बट दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है आग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। जो मिश्रित ग्रंथि है यानी एंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन दोनों के गुण इसमें पाया जाता है, यानी अंतर स्त्रावी या वाह स्त्रावी दोनों। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोष्ठिका कोशिका और लैंगरहैंस की दीपिका, जिसे आईलेट से आप लैंगरहैंस बोलते हैं। तो कोष्ठिका कोशिका जो एक्जोक्राइन यानी कि वही स्त्रावी का कार्य करती है जिसमें एंजाइम निकलता है, और लैंगरहैंस की दीपिका जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, अंतर स्त्रावी ग्रंथि का, जिसमें हार्मोन स्त्रावित होता है। तो जो लैंगरहैंस की दीपिका है इसमें से चार प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, यक्ष कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन निकलता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होता है। और वाई सेल यानी डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है जो ग्लूकोगन और इंसुलिन के अत्यधिक स्त्राव को संतुलन में रखता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं, तो एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं इंसुलिन को। किसको कहते हैं दोस्तों, इंसुलिन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, आंत यानी इंसेंटाइन किस क्रम में होती है, तो जैसे इंसेंटाइन जो होता है वह डेडुनम, जोजिनम, इलियम, फिर कॉलन, फिर रेक्टम, ऐसे होता है। जो डोडिनम, जेजुनम, इलियम है ये छोटी आंत के तीन भाग है, कॉलन जो है बड़ी आंत को कहते हैं, और फिर रेक्टम होता है, ठीक है, यानी मलाशय होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो आप सबको पता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। जब इंसुलिन का कार्य क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करता है। तो जब इंसुलिन कम बनता है तो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाता है, और ग्लूकोज जो है रक्त में ज्यादा बहने लगता है, ठीक है, ग्लूकोज रक्त में इकट्ठा होने लगता है, अब पेशाब से ग्लूकोज निकलने लगता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, इसे
डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियां कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती हैं? तो पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियां हैं वह पेप्सिन एंजाइम छोड़ती हैं। नेक्स्ट है, शरीर का वह भाग जहां बाइल यानी पित्त रस निकलता है, कौन सा भाग है दोस्तों? यकृत। ध्यान दीजिएगा कि जो पित्त रस होता है, बाइल होता है, वो बनता है यकृत यानी लीवर में और इकट्ठा होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है दोस्तों? तो पानी का संतुलन जो है वह गुर्दा यानी कि किडनी बनाए रखता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो ये बनता है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में और निकलता है डोडिनम में, जो छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है अमाशय से जुड़ा हुआ, और इसी में आपका अग्नाशय की नली और पित्ताशय की नली दोनों जुड़ी रहती है। इसी डोडिनम से निकलते हैं आपके पैंक्रियाटिक जूस यानी कि एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन यहाँ आकर के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर यानी डायबिटीज की बीमारी होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? पैंक्रियाटिक ग्रंथि का खराब होना, ठीक है, जिससे इंसुलिन कम बनता है, जिसके कारण डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा यानी फैट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो दोस्तों वसा यानी फैट शरीर में ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में हमारे एडिपोज टिश्यू के नीचे स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो जो प्रोटीन होता है दोस्तों वह अमीनो एसिड के रूप में शरीर में एकत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में एकत्रित रहता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में एकत्र होता है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के रूप में, वसा यानी फैट जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में जमा रहता है, और जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ जमा होता है? तो लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आलू है क्या। आलू एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब हम शारीरिक अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे आंतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारे आंतों पर प्रभाव ये पड़ता है दोस्तों कि यह आंतों की मालिश से पोषक पदार्थों यानी न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण बढ़ाता है एवं चयापचय क्रिया में सुधार लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो अमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है दोस्तों? यह कार्य करता है शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। शर्करा तथा स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। यही क्रिया आपकी मुंह में यानी जो लार में बनती है टाइलिन, वो भी करता है दोस्तों। और अमाइलेज जो होता है, टाइलिन मुंह में निकलता है लार ग्रंथि से, और अमाइलेज जो है बनता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के जलने पर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा के जलने पर 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ग्राम प्रोटीन जलने पर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो एक ग्राम प्रोटीन के जलने पर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने पर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड एक ग्राम वसा के जलने पर 9.1 किलो कैलोरी, एक ग्राम प्रोटीन के जलने पर 4.1 किलो कैलोरी। तो कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, और प्रोटीन जो है हमारे शरीर की रक्षा करने वाला, शरीर की मरम्मत करने वाला, और शरीर को बिल्ड करने वाला, मांसपेशियों को ताकत देने वाला है। तो इसमें आपका सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वसा, और सबसे जल्दी कौन करवाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। इसी ज्यादा हमारे भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो बॉडी बिल्डर यानी कि बॉडी को बिल्ड करने वाला, मजबूत करने वाला, उसकी मरम्मत करने वाला कौन है? प्रोटीन है। इसे बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, प्रोटीन को, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा यानी एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऊर्जा एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट और वसा, जिसमें से इंस्टेंट एनर्जी स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक खाना चाहिए? तो खिलाड़ी को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक खाना चाहिए, जिसे तुरंत एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है? तो कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है दोस्तों? तो प्रोटीन, जो हमारे शरीर की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे बच्चे को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है दोस्तों? तो एक छोटे बच्चे को शारीरिक विकास करना होता है, वहां पे प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक रस क्या होता है? जो पैंक्रियाटिक रस होता है वो एक एंजाइम होता है, यानी पाचक एंजाइम होता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, फास्फोलिपिड्स और एस्टरेज। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? तो मेटाबॉलिज्म का संबंध जो है वह पाचन तंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म यानी कि चय अपचय क्रिया, यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, प्रक्रिया को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसको नियंत्रित करती है सभी प्रकार के चय अपचय क्रिया को थायराइड ग्रंथि, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायी किस तंत्र यानी श्याम का भाग है? विलायी जो है किस तंत्र यानी कि सिस्टम का भाग है? तो विलायी जो है पाचन तंत्र का भाग है। विलायी पाया कहाँ जाता है दोस्तों? हमारे छोटी आंत में पाया जाता है, जो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, और अवशोषण करके उसको हिपेटिक पोर्टल बोन के द्वारा, वेन के द्वारा यकृत में भेज दिया जाता है, जहां से समस्त शरीर में पोषक तत्वों का संचारण होता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है? तो कहाँ पे ऑब्जर्व होता है दोस्तों, समाहित होता है? तो बिलाई में। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड को बिलाई में कौन समाहित करता है? तो ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड को बिलाई में कौन समाहित करता है? रक्त नलिकाएं। कौन करता है? रक्त नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल ब्लेडर से कौन सा पदार्थ निकलता है? गॉल ब्लेडर यानी पित्ताशय से कौन सा पदार्थ निकलता है दोस्तों? बाइल यानी कि पित्तरस निकलता है। अब पित्तरस बनता कहाँ है? तो लीवर में, और कहाँ पे स्टोर होता है? तो बाइल पित्ताशय में। और निकलता कहाँ से है? आकर के भोजन में कहाँ मिलता है? रोडिनम में, यानी कि उसे बाइल बोला जाता है। 24 घंटे में कितना फाइल 24 घंटे में कितना बाइल यानी कि बाइल रस यानी कि पित्त रस, बाइल जूस, पित्त रस गॉल ब्लेडर से निकलता है? तो कितना निकलता है दोस्तों? यह निकलता है आधा से 1 लीटर। ठीक है, आधा से 1 लीटर तक हमारा
बाइल जूस प्रतिदिन निकलता है, जबकि लार हमारा 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस ग्रंथि को कहते हैं? तो स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं दोस्तों? लीवर को बोला जाता है। किसी को कहा जाता है? लीवर को बोला जाता है, क्योंकि लीवर जो होता है कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करके रखता है, तो स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है इसलिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के लिए उपयोग में होता है वो हो जाता है, जो अतिरिक्त बचता है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में हमारे एकत्रित यानी कि लीवर में संरक्षित रहता है। जब फिर इसको शरीर को आवश्यकता होती है ऊर्जा की, तो इस संरक्षित ऊर्जा को वह उपयोग में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लीवर में कौन सा पोषक तत्व स्टोर होता है? तो लीवर में कौन सा पोषक तत्व होता है? ग्लाइकोजन, जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के वहां पे एकत्रित में स्टोर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो दोस्तों मानव शरीर में भोजन जो है सबसे पहले कहाँ पचता है? मुंह में, क्योंकि मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि से एमाइलेज टैलिन एंजाइम पाया जाता है जो ब्रिंग मुंह में टैलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटी आंत किन भागों से मिलकर बनी होती है? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। कितने भाग होते हैं? 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, जिसमें से डोडिनम 30 सेंटीमीटर लंबा होता है डेडुनम, और जेजुनम जो होता है 2.3 सेंटीमीटर एंड आपका जो इलियम होता है 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे बड़ा भाग होता है इलियम, जिससे छोटी आंत से भोजन पचने के बाद जाता है बड़ी आंत में। नेक्स्ट है दोस्तों कि बड़ी आंत किन किन भागों से मिलकर बना होता है? तो बड़ी आंत जो है वह कोलन एंड रेक्टम से मिलकर बना होता है। किससे? कोलन एंड रेक्टम। जैसे कि दोस्तों जो बड़ी आंत है वो सीकम, कोलन, मलाशय से मिलकर बना है, जिसमें से कोलन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड यानी पेल्विक कॉलम। ये 4 भागों में बटा होता है, और दूसरा भाग होता है मलाशय, यानी कोलन और मलाशय में यानी रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर को के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों? तो मानव शरीर के पाचन तंत्र में लीवर, लार ग्रंथि और पैंक्रियाज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार ग्रंथि में टैलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू होता है, तो दोस्तों पेट यानी अमाशय के तुरंत यानी स्टोमस के तुरंत बाद कौन सा छोटी आंत यानी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है? तो डोडिनम, जहां पे आपका खाना खाने में बाइल जूस और अमाशयी रस दोनों यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में ग्रहित प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो प्रोटीन सबसे पहले हमारे पेट में पचता है, क्योंकि हमारे पेट यानी कि अमाशय में 3 एंजाइम होती है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसमें से पेप्सिन जो होता है वह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ पे होता है? तो पेट में यानी कि स्टोमच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है?
फिर एक वयस्क पुरुष में छोटी हाथ की लंबाई होती है 6.5 मीटर, कितना होती है 6.5 मीटर, कितना होती है छोटी हाथ की लंबाई चौड़ाई, लंबाई 6.5 मीटर होती है, और व्यास उसका होता है 2 से 5 सेंटीमीटर। 6.5 मीटर में आपका छोटी हाथ के 3 भाग होते हैं, डोडिनम जेजुनम इलियम, इसमें से 30 सेंटीमीटर डोडिनम होता है, 2.6 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है, 2.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर इलियम होता है, यानी सबसे बड़ा भाग होता है इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को बता चुकी हूँ, आइसोफेगस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रास नली को गैलेट बच्चा, गैलेट यानी कि छोटी आंत, ग्रास नली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, गैलेट। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है, तो मनुष्य का जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है, ध्यान में रखिएगा। और पाचन आरंभ कहाँ से हो जाता है, हमारे मुख में डालते ही पाचन आरंभ हो जाता है, मुख में टैलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, ठीक है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो मनुष्य का जो भोजन कहाँ पे पचना प्रारंभ हो जाता है, वो मुख से ही हो जाता है, और कहाँ पे जाके पचता है पूर्ण रूप से, तो वो छोटी आंत में पचता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, प्रारंभ कहाँ होता है, मुख से ही। और जो खनिज लवण और जल का पाचन होता है, अवशोषण होता है, वह आपका बड़ी आंत में होता है, यानी भोजन का संपूर्ण पाचन और संपूर्ण अवशोषण दोनों का कार्य करता है छोटी आंत। और जो हमारे एल्कोहल और मेडिसिन लेते हैं उसका अवशोषण होता है पेट यानी स्टोमेच में, और जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, ये ध्यान में रखिएगा। बड़ी आंत में किसी भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बड़ी आंत में कोई जीवाणु नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है, तो जो लाइपेज एंजाइम होता है वसा यानी फैट के पाचन में सहायक होता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को बचाता है, तो अभी मैं तुरंत जस्ट बताई हूँ कुछ देर पहले कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, तो पैंक्रियाज से कौन सा ऐसा एंजाइम निकलता है दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, तो वह है हमारा अमाइलेज, क्या है, अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस भाग में एकत्रित होते हैं, जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर के लिए कहाँ एकत्रित होता है, शरीर के लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोफेगस को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछ दिया, ग्रास्त के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, तो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जिसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, तो ये आपका होता है रेनिन, जठर लाइपेज यानी गैस्ट्रिक लाइपेज, और पेप्सिन। रेनिन जो होता है दूध को कैसे नहीं बदलता है, और जठर लाइपेज जो होता है वह आपका फैट को पचाता है, और पेप्सिन वसा को पचाता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं जठर रस में, रेनिन, जठर लाइपेज यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज, और पेप्सिन। रेनिन दूध को कैसे नहीं बदलता है यानी कि मिल्क प्रोटीन भी इसको बोला जाता है, और जठर लाइपेज यानी गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस से कौन सा एसिड निकलता है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस से, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस से क्या निकलता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
नमक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जहरीले पदार्थों कीटाणुओं तथा कंकड़ पत्थर को क्या करता है, गलाकर नष्ट कर देता है और सभी निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाने का काम करता है। और दोस्तों अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है तथा प्रोटीन का वसा के साथ होना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम कौन से तंत्र का भाग है? ये तो आसानी से आप जानेंगे, या सभी पार्ट याद होंगे तो छोटी याद के तीन भाग होता है, डेजिनम जेजिनम इलियम। तो यह इलियम छोटी याद का भाग है, लेकिन यहाँ किसका पार्ट माना जाएगा छोटी याद, ये सब पाचन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से वो फट जाता है? तो वह फट जाता है रेनिन एंजाइम के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस से उत्पादित होता है, लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगन होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो होता है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन का क्या कार्य होता है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे ज्यादा मात्रा में रक्त में ग्लूकोज नहीं जाने पाता है, संतुलन बना के रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता ज्यादा, और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है जो रक्त में बहने लगता है, यानी कि जो इंसुलिन होता है वह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण करने में सहायता करता है, और कम स्राव होने से कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है और पेशाब से ग्लूकोज निकलने लगता है। इस कारण इसको हम पीलिया यानी कि मधुमेह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में नाड़ियां यानी नर्वस कहां से पाचन में पहुंचती है? कहां से पहुंचती हैं? मस्तिष्क के अवचेतन भाग के मेरुदंड से पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पाचन तंत्र में पाए जाने वाली नर्वस का कौन सा रसायन छोड़ती है? तो यह एसिटाइल कोलाइन एडिनेलाइन नामक एंजाइम छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन किस तंत्र का भाग है? तो कोलन जो है वह पाचन तंत्र का भाग है, जिसे हम बड़ी याद का भाग मानते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का वह भाग जहां से बाइल निकलता है यानी कि पित्तरस निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? यकृत। शरीर का वह भाग जहां से बाइल निकलता है, कहने का मतलब जहां बाइल यानी कि पित्तरस बनता है, तो बनता कहां पे है? यकृत यानी लीवर में, और स्टोर कहां पे होता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज और एंजाइम कहाँ मिलते हैं? तो यह मिलते हैं आपके डोरिनम में, कहाँ से निकलते हैं? बनता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, और मिलता है आपका डोरिनम में छोटी याद के पहले भाग में, वहीं पे आपका पित्तरस भी पित्ताशय नली द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे डोरिनम में पित्त नली द्वारा पित्ताशय और पैंक्रिया की नली जुड़ी रहती है डोरिनम में, वहां से अग्नाशय का रस दोनों आपके मिल जाते हैं डोरिनम में। नेक्स्ट दोस्तों, शर्करा यानी कि डायबिटीज की बीमारी होने का क्या कारण है? डायबिटीज की बीमारी होने का कारण है पैंक्रियाज ग्रंथि का खराब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि आंत रस को किस नाम से जाना जाता है? जो आंत रस होता है उसको सक्स इंट्रिकस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वसा यानी फैट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो यह ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में शरीर में एकत्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो जो प्रोटीन होता है वह शरीर में अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित रहता है। जैसा कि दोस्तों जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में
जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है और ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज के रूप में, और जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित होता है, और जो वसा होता है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में एडिपोज टिश्यू के नीचे एकत्रित रहता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में बदल करके जो अतिरिक्त ऊर्जा होता है वो लीवर में एकत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? तो यह 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया मुख्य रूप से कौन सी आंतों में होती है? तो भोजन का संपूर्ण पाचन यानी पाचन क्रिया मुख्य रूप से होता है छोटी आंतें यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में यकृत का मुख्य कार्य यानी कि लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्लूकोज का संग्रहण, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और संग्रहण करके रखता है लीवर। जो हमें ऊर्जा शरीर को मिलती है ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाने पर, तो कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से हमको ऊर्जा बना, हम ऊर्जा ले लिए, जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट बच गया, ग्लूकोज बच गया, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में एकत्रित हो जाता है। जब हमारे शरीर में फिर ऊर्जा की कमी हो जाती है तो वही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने इसमें पाचन तंत्र, पोषण एवं चयापचय क्रिया से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में बताया, जिसमें से अभी आपके ये पहला पार्ट था, इसमें से इससे रिलेटेड अभी 3-4 पार्ट्स और भी होंगी वीडियोज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।